इंस्टा फैमिली, होप यू ऑल आर वेल। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, वेयर आर यू ज्वाइनिंग इन फ्रॉम। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं प्लीज डू मेंशन कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं, सो दैट आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू वंस आई सी योर कॉमेंट। हाय तन्वी, कैसे हो आप? हाउ आर यू? हेलो प्रियंका, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय प्रिया, हाउ आर यू? सो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड को लेकर मुझे पीछे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि हाइपोथायरायडिज्म हो गया है, जिसकी वजह से बॉडी में वेट बहुत गेन हो गया है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो गए हैं। सो बेसिकली थायराइड जो होता है वो एक ग्लैंड होता है हमारे थ्रोट के पास। दो मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारा ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो कि होता है T3 एंड T4। जब हाइपोथायरायडिज्म आपको हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपका ये T3 और T4 जो होता है ये हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की बॉडीज़ में ये हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं जब हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। जो ये थायराइड ग्लैंड में ये जो दो हार्मोन है T3 और ये T4, ये बेसिकली आपकी बॉडी का डेवलपमेंट, आपका डाइजेशन, आपके एनर्जी लेवल्स, आपका मेटाबॉलिक रेट, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। पर जब आप इमेजिन करो कि आपका कोई ग्लैंड वो हार्मोन बना ही नहीं रहा, तो आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। वेडिंग एंड एट ऑल थिंग्स इवन डिजर्ट्स बट द वेट इज सेम डियर। दैट्स वेरी गुड तन्वी, आई एम सो सो हैप्पी फॉर यू। अब वो जो मेंटेनेंस मील प्लान आपको भेजा हुआ है, लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग दैट सो दैट वी मेंटेन ऑल अवर वेट दैट वी हैव लॉस्ट। थैंक फॉर ऑल द अमेजिंग टिप्स ऑलवेज, क्योंकि वेट लॉस जरूरी है, पर वेट के साथ जरूरी होता है कि जो वेट लॉस हमने किया है, फैट हमने लूज किया है, वो हम मेंटेन करके चले ताकि हमारी जर्नी सस्टेनेबल हो। और इसीलिए ही आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स आते हैं जब आप एक वो बैलेंस, एक लाइफस्टाइल को फॉलो करके चलते हो। सो सुपर सुपर हैप्पी फॉर यू, कीप अप द मेंटेनेंस। एंड कल से आप अपने मेंटेनेंस मील प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करो, और वेडिंग वगैरह पिक्चर्स जरूर सेंड करना कि हाउ डिड यू गो विद द वेडिंग, राइट? हाँ जी। सो यस, सो थायराइड, तो इसीलिए जब बहुत लोगों को आप देखते हो हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आप थोड़ा सा भी खाते हो पर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक पुअर हो जाता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं, आप रात में सोते भी हो पूरा प्रॉपरली बट फिर भी सुबह उठ के आपको फ्रेश फील नहीं होता, सारा दिन आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं और आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो, अनवांटेड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी, आपकी ये तीन जो चीजें होती हैं आयोडीन, सिलेनियम और जिंक, ये तीन चीजों की जब आपके शरीर में कमी होनी स्टार्ट हो जाती है थायराइड की वजह से, आपकी बॉडी की ओवरऑल वेलबींग जो होती है वो खराब होने लगती है। दैट इज वेयर यू एक्चुअली नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बैलेंस्ड मील। आप थायरॉक्सिन खाओ, आप थायरोनॉम खाओ, बट अगर आपका फूड पैटर्न अच्छा नहीं है, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में हमेशा आप फ्लक्चुएशंस देखते हो। सो अब यहाँ पर हाउ माई वेट लॉस प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू। सो जिनको भी थायराइड होता है उनके लिए एक बहुत दिमाग में बैठा होता है दैट इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम टू लूज वेट, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर देम टू लूज फैट, स्पेशली जब विमेन्स को ये चीज होती है, द विमेन्स हैव मोर ऑफ अ फैट परसेंटेज नेचुरली एज कम्पेयर टू मेल्स, स्पेशली थाइस पार्ट पे, हिप्स पार्ट पे, हॉर्मोन्स की वजह से हॉर्मोनल बैली हो जाता है, एक्ने इश्यूज होने लग जाते हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है शरीर में, उंगलियां फूल जाती हैं, फीट्स आपके पंजे, पैर के पंजों की उंगलियां सूज जाती हैं। सो जब आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, आपको हम पूरे की पूरी आपके गट की क्लिंजिंग करते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, थायराइड और आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन है, थायराइड ग्लैंड आपका T3 और T4 हार्मोन नहीं बना रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग खराब हुई हुई है, उस टाइम पर जब आप ये टैबलेट्स वगैरह लेते हो, थायरोक्सिन या थायरोनॉम जो हम लेते हैं,
अगर आपका थायराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपको लीकी गट होना काफी ज्यादा कॉमन होता है। लीकी गट का मतलब है कि आपके गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरिया। जब बैड बैक्टीरियाज का काउंट इंक्रीज हो जाता है, हमारे गट की जो इनर वॉल होती है वो खराब होने लग जाती है, मतलब उस पे ग्रीसीनेस आ जाती है, लीकी गट बोलते हैं उसको। कि आप थोड़ा भी खाते हो, आपका इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, रेपिटेटिव वेट गेन, जो कि थायराइड में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ये चीजें रैपिड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक साइड पे थायराइड है, वेट गेन हो रहा है, और लीकी गट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये हुआ थायराइड जब बढ़ा हुआ है, एंड इट लीड्स टू द लीकी गट। दूसरी चीज होती है, अगर आप अपने गट हेल्थ का ध्यान रखते हो, जब आप अपने गट में गट को क्लीन कर लेते हो, अपना डाइजेस्टिव ट्रैक इंप्रूव करते हो विद द प्रॉपर बैलेंस्ड मील्स, उससे क्या होता है कि आपका एक माइक्रोबायोम फ्लोरा जो होता है, जिसका मतलब है एक कॉम्बिनेशन गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का प्रॉपर बैलेंस होता है। गुड बैक्टीरियाज जब आपके गट में बढ़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं गुड गट फ्लोरा। ठीक है, तो आप जो भी चीज खाते हो उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से होगा, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, मेटाबॉलिज्म बॉडी का प्रॉपर होगा। तो इसी, जब गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपके थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग होती है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मेरे वेट लॉस प्रोग्राम पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थायराइड के साथ अपना वेट लॉस भी किया है, फैट लॉस भी किया है, जिनके थायराइड के थायरोक्सिन और थायरोनॉम टैबलेट्स के जो लेवल्स होते हैं एमजी वाइज, वो भी रिड्यूस हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गट फ्लोरा को इम्प्रूव किया। हाय हुमायरा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने गट हेल्थ की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखो, जिससे कि आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो अच्छी हो। सो बहुत बार थायराइड में क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि हमें कौन सी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, कौन सी बीन्स खानी चाहिए, कौन सी बीन्स नहीं खानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि थायराइड में आपको बहुत नेसेसरी है एक बैलेंस्ड मील खाना, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, क्योंकि जितना सॉल्यूबल फाइबर आपकी बॉडी पे जाएगा, बॉडी के जो डाइजेस्टिव ट्रैक की फंक्शनिंग होगी, जिससे कि ये, अगर वो फाइबर आप प्रॉपर नहीं लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसे इश्यूज होना बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सो एक बैलेंस्ड मील खाना, बहुत बार ऐसा होता है ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि आपकी गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, कुछ लोगों को थायराइड लेवल्स इस तरीके से बढ़े हुए होते हैं कि उनको, हमें ये वाले जो लेवल्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ लोगों को हमें ये वेजीज को अवॉइड करना होता है, जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, टोफू हो गया, सोयाबीन हो गया, इन चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। काफी क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं थायराइड के साथ, टोफू वो नहीं लेते, बट उनको मैं लाल मसूर दाल का, जो हम घर पर टोफू बना सकते हैं, द ट्विस्टेड वर्जन ऑफ इट, आप उन चीजों को खा सकते हो। लीमा बीन्स हो गई, आपके लोबिया, जो हम रोंगी भी बोलते हैं जिसको, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर थायराइड। उसके अलावा ग्रीन मूंग दाल हो गई, येलो मूंग दाल हो गई, ये वाली जो दालें होती हैं, दीज आर द थिंग्स जो आपको अपने इनटेक पर खानी चाहिए, जिससे आपके एक बैलेंस्ड मील जाएगी, प्रॉपर पोर्शंस जाएंगे, गुड फाइबर्स, गुड वेजिटेबल्स, सॉरी गुड प्रोटीन्स, तो आपकी बॉडी में गट क्लिंजिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू होगी। प्रोसेस फूड्स, जंक फूड्स, इन चीजों को आपको अवॉइड करने की जरूरत होती है, स्पेशली इन द थायराइड टाइम। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो रात में बहुत डीप स्लीप में नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द थायराइड लेवल्स। ठीक है, वेट बहुत एक्सट्रीम पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, और यही सेम तरह के जो सिम्टम्स होते हैं हर एक स्टेज पर आपको आने स्टार्ट हो जाता है, चाहे आपका थायराइड, काफी लोग इस चीज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। सो ऑफ कोर्स ऑलवेज गो एंड गेट चेक। अगर आपका बहुत सडनली वेट गेन हो रहा है, आपको बहुत एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हेयर फॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू द हेयर फॉल। ठीक है, सो जब आपकी बॉडी में आयोडीन कम होगा, आयरन लेवल्स आपके कम होंगे, आपको ये चीजों को नोटिस करना, आपकी बॉडी हर एक टाइम पे आपको सिग्नल देगी।
आपके एनर्जी लेवल्स प्रॉपर नहीं होना, हर टाइम आप टायर्ड फील करोगे, आपको मन करेगा बस बैठे रहो, स्लगिश टायर्डनेस होगा, थोड़ा सा भी काम करते हो यू गेट टायर्ड वेरी क्विकली, दैट इज वेयर यू नीड टू गेट योर थायराइड लेवल्स चेक। काफी लोगों की बॉडीज में इट्स जस्ट अ स्टार्ट, कई काफी लोगों की बॉडी में इट्स ऑलरेडी अप टू अ लेवल, बट पीपल फेल टू डिटेक्ट इट। सो इसीलिए जब आप मेरा वेट लॉस प्रोग्राम करते हो, दैट इज नॉट ओनली जस्ट अ वेट लॉस और जस्ट अ फैट लॉस, बट इट्स बेसिकली द गट क्लिंजिंग। गट हमारी बॉडी का सेकेंड ब्रेन होता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग को, हमारी हॉर्मोनल हेल्थ को, ऑर्गन हेल्थ को, डाइजेशन को, हर एक चीज को। हुमायरा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल जस्ट आंसर यू। सो दैट्स वेयर यू एक्चुअली नीड टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। जब आप अपने गट का ध्यान रखते हो, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर स्टार्ट होती है, उसका एंड रिजल्ट आपको मिलता है वेट लॉस या फिर फैट लॉस। ठीक है, कई लोगों की बॉडी में इट्स बोथ। फैट लॉस जब भी होता है बॉडी में, कोई भी स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। आज मेरी एक क्लाइंट है जिनके रिजल्ट्स अभी मैं पोस्ट करूंगी, उनका मेन फोकस था कि मेरा बस टमी कम हो जाए, ठीक है, बट 28 दिन के अंदर उन्होंने अपनी ओवरऑल बॉडी में थायराइड के साथ 11 इंच लूज किया है। स्केल्स पे कितना लूज किया है? 3.5 किलो, पर ओवरऑल बॉडी से 11 इंच लूज किए हैं। सो स्पॉट रिडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। बॉडी में जहां पे भी फैट्स होते हैं वो सबसे पहले नीचे आते हैं। सो जो एक सबक्यूटेनियस फैट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, विसेरल फैट्स होते हैं, तो ये जो हिडन फैट्स होते हैं ना, ये सबसे पहले जब भी हम अपनी फैट लॉस की जर्नी में होते हैं या वेट लॉस की जर्नी पे होते हो, ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है रैपिड वेट लॉस, एक होता है मीडियोकर ग्रेजुअल वेट लॉस, और तीसरा होता है सस्टेनेबल वेट लॉस। आप ये तीनों ही स्टेजेस फॉलो करते हो मेरे वेट लॉस के प्रोग्राम पे। फर्स्ट 3 डेज जब आप प्रोग्राम शुरू करते हो, तो काफी बार आप अपने स्केल्स को बहुत ज्यादा जल्दी नीचे देखते हो। उसका रीजन होता है, वो होता है रैपिड वेट लॉस, जिसमें कि हमारी बॉडी से जो वाटर फ्लूइड्स होल्ड हुए होते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, अगेन अगर आपको थायराइड है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होगी। कई लोग फुले हुए ज्यादा लगते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि उतना फुलावट में दे हैव मोर ऑफ अ फैट परसेंटेज, बट इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका शरीर भारी हो जाता है। सो वो सबसे पहले नीचे होते हैं, आपके फ्लूइड रिटेंशन नीचे होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक लाइट फील करना स्टार्ट होता है। फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस पे आप आते हो स्टेज 2 पे, जिसपे कि हम अपने फूड्स पे थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। यू गेट अनदर मील प्लान फ्रॉम मी, जिसमें कि हम आपकी बॉडी को टारगेट करते हैं अराउंड 8 to 10% फैट, बट मेजर फोकस इज द स्टमक हेल्थ, इम्प्रूविंग द इंटरनल हेल्थ। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक बेटर होना स्टार्ट होगा, तो ऑफकोर्स आपका जो वेट लॉस होता है वो होना शुरू हो जाता है। सो कई लोग 500 ग्राम लेकर के 1-1 किलो तक लूज करते हैं फर्स्ट 3 डेज पे, बट उसके बाद 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम ऑन एन एवरेज इस तरीके से आप लूज करते हो। हमें लगता है चाहे हमें थायराइड हो या फिर हमारा कोई नॉर्मल रूटीन पे भी हम वेट लॉस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी जर्नी शुरू की है तो वेट लॉस शुड गो लाइक दिस, बट कभी भी ऐसे नहीं जाता। वेट लॉस की जर्नी एक हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस पे हमेशा आपके स्केल्स कभी नीचे जाएंगे, कभी सेम होंगे, कभी ऊपर जाएंगे, तो वो हर एक टाइम पे जब आपकी बॉडी का ग्राफ ऐसा जा रहा है, उस हर एक टाइम पे हमें अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है। और उस टाइम पर अक्सर लोग गिव अप करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम वेट लॉस कर रहे हैं प्रोग्राम, बट हमारा प्रोग्राम नहीं काम कर रहा, या मेरी बॉडी टाइप इस तरह की। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर बॉडी, कि किस तरीके से आपकी बॉडी लूज कर रही है। इफ यू हैव मोर ऑफ अ फैट परसेंटेज, यू आर गोइंग टू लूज मेजॉरिटी ऑफ द फैट, जिससे आपका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होगा, आपके कपड़े आपको डिफरेंटली फिट होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे। आप चेक करोगे कि आप रात में कितनी स्लीप ले पा रहे हो, जो पहले डिस्टर्ब थी, हाउ इट इज गेटिंग बेटर। आपको बहुत ज्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग पहले होती थी, दैट इज गोइंग टू गेट सॉल्व। तो उससे क्या होता है, यू आर अडेप्टिंग अ न्यू लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है। और जैसे ही आप स्टेप 3 पर आते हो, विच इज योर मेंटेनेंस फेज, उस पे आने के बाद हम अपनी एक फूड हैबिट्स को दोबारा चेंज करते हैं, वेयर वी गो बैक टू द नॉर्मल ईटिंग। कि हमने अगर बाहर का फूड खाना है, फ्राइड फूड खाना है, जैसे अभी आपने देखा कि तन्वी ऊपर कमेंट्स पर लिख रही थी कि शी वेंट फॉर अ वेडिंग, सब कुछ खाया, बट शी इज मेंटेनिंग हर वेट। हाउ इट इज पॉसिबल? तन्वी ने
9 किलोज लूज किया एंड 4 इंचेस ऑल ओवर द बॉडी लूज किया है, बट हाउ शी इज नाउ सस्टेनिंग द वेट लॉस जर्नी इज बाय वॉचिंग वॉट शी इज ईटिंग. किस तरीके से आप पोशंस खा रहे हो, कितनी माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, क्या टाइमिंग्स हो रहे हैं आपके खाने के, हर एक वो चीज बहुत मैटर करती है. और इसी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम आपको मैं न्यूट्रिशन सपोर्ट देती हूँ, जो कि कोई मील रिप्लेसमेंट्स नहीं होते. क्योंकि अगर आपको थायराइड है, फॉर यू द मेन फोकस शुड बी इम्प्रूविंग द हेल्थ इंटरनली. अगर आपका गट हेल्थ बेटर है, सो नॉट ओनली जस्ट विद द थायराइड, विद द पीसीओएस, अगर आपको यूरिक एसिड है, इफ यू आर ब्लड प्रेशर, आपको डायबिटीज है, एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग. इनफैक्ट अगर आप एक नॉर्मल वेट लॉस जर्नी भी चाहते हो कि आपका वेट कम हो, आप अपने आइडियल शेप में आओ, फोकस शुड नॉट ओनली बी जस्ट द वेट लॉस और जस्ट द फैट लॉस. और यही चीज चेंज करती है मेरे प्रोग्राम पे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है. बहुत बार ऐसा आता है, मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने शेक्स पी करके अपना वेट लॉस तो किया, पर उनकी स्किन लूज हो गई, वो शक्ल से बीमार लगने लग जाते हैं, डलनेस हो जाती है. बट दोज थिंग डजंट हैपन ऑन माई प्रोग्राम. उल्टा आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होती है, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी होती है. उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम अपने शरीर को खाने को छोड़ करके वेट लॉस नहीं करते. हम खाना घर का ही खाते हैं, जो हमारी किचन पेंट्री पे भी अवेलेबल है. अब वो खाने को कितने ट्विस्ट के साथ खाना होता है, वो सारी चीजें सीखते हैं हम ऑन माई प्रोग्राम. सो जैसे अब यहाँ पे मैंने अपने स्प्राउट्स होने रखे हैं, यू ईट देम. काले चने मैंने सोक करके रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने लोबिया बॉईल करके रखी हुई है. सो आप जब घर के फूड को एक ट्विस्ट के साथ खाते हो, एक हेल्दियर वर्जन पर खाते हो, आप अपनी बॉडी को एक लॉन्ग टर्म हैप्पी फीलिंग देते हो. ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ. नो, आई विल नॉट लीव यू अंटिल एंड अनलेस आई एम मेक श्योर आपने मेंटेनेंस प्रॉपर सीखी है. आप जब तक मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं सीखोगे, माई जॉब इज टू टीच यू द मेंटेनेंस प्रॉपर, कि हमने जो वेट कम किया है, अब हम उसे मेंटेन किस तरीके से कर रहे हैं. क्योंकि जब तक हम वेट मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे, हमारी वेट लॉस की जर्नी कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती. कई लोग शेक्स पी लेते हैं, शेक्स पी के आप वेट लॉस तो कर लेते हो, बट उसके बाद क्या होता है? शेक्स फॉर एवर उम्र भर पी सकते हो? कोई नहीं पी सकता. जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, खाना खाना स्टार्ट करोगे, आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो वैसे प्रोग्राम को करना ही क्यों? वो वेट या वो फैट हमने कभी भी ओवरनाइट गेन नहीं किया, तो हमें कभी भी उसको ओवरनाइट लूज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए. जितना हेल्दी वे में लूज करोगे, ग्रेजुअल लूज करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी जर्नी को सस्टेन कर पाओगे. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज, कि आप अपनी बॉडी के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करोगे, कौन से फूड्स हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करते, कौन से फूड्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन देते हैं, ब्लोटिंग देते हैं, और उन सारी चीजों को हम वॉच करते हुए जब अपने मेंटेनेंस फेज पे जाते हैं, तो आपको वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लाइफस्टाइल सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपने वेट को और फैट को मेंटेन कर सकते हो. सो चाहे आपको थायराइड हो या आपको एक गोल है कि आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू गेट इन शेप, आई हैव टू लूज दैट फैट, आपको डबल चिन हो चुका है, हॉर्मोनल बेली हो चुका है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर वॉचिंग प्लेट. अगर आप अपने पोशंस, अपने बैलेंस्ड मील पे फोकस करोगे, एवरीथिंग इन द बॉडी इज गोइंग टू फंक्शन वेरी वेरी प्रॉपरली. सो इफ यू आर समवन जिसको वेट लॉस करना है, आप अपनी बॉडी को शेप अप करना चाहते हो, टोन अप करना चाहते हो, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन फॉर यू प्रोग्राम इज रियली रियली परफेक्ट. यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू. हुमायरा, आपको आइडियल रेंज 57 पर होना चाहिए. अगर आपको है दैट यू फील मोर हैवी, प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा होगा, यू कैन सेंड मी अ मैसेज. मुझे मैसेज करने के लिए या तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो. अदरवाइज सबसे बेस्ट है, जैसे ही मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जाओगे, मेरे वहां पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिख जाएगा. उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ऑन द व्हाट्सएप. आपकी लाइफस्टाइल, आपके मेडिकेशंस, आपकी हेल्थ को अंडरस्टैंड करके वी विल स्टार्ट द प्लान. कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन वी गो, एक प्रॉपर रियलिस्टिक गोल और अप्रोच के साथ, वी लूज दैट,
एंड वी मेंटेन इट. सो दैट इज वेयर इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द बॉडी. थायराइड है, कॉर्टिसोल हार्मोन बूस्टेड है, क्यों हो रहा है, राइट, एंड हाउ वी कैन हेल्प अवर बॉडी टू इम्प्रूव इन अ बेटर वर्जन. ठीक है, सो बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज नॉट ओनली टू लूज वेट और टू लूज फैट, बट इट्स बेसिकली इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी इंटरनली. और ये चीज आपको मैं करवाती हूँ ऑन माई प्रोग्राम बाई ईटिंग रियल होम कुक्ड फूड. तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सेंड मी अ मैसेज एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू. बाय बाय.